अस्सलाम वालेकुम, चौधरी कॉस्मेटिक चैनल के साथ मैं हूं अब लतीफ। आज की मेरी वीडियो ग्लूपाटोन होम्योक्योर के हवाले से है। पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उस पर तकरीबन 1K से ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से बताया है कि इसको यूज़ कैसे करना है। और इसके यूज़ का मैंने तरीका बताया था कि इसको खाली यूज़ नहीं करना है, इसको किसी न किसी क्रीम में मिक्स करके यूज़ करना है। तो आज आपके माइंड में अगर जो दो तीन सवाल हैं उनको मैं क्लियर करने आया हूं, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर आके सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में भी वही सवाल होंगे, तो उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये कस्टमर करता है कि जी इसको होम्योक्योर के साथ ही यूज़ करना है या किसी और के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको संदल, स्टीलमैन, बायोकोस, गोल्डन पर्ल, फ्रेश ग्लो वाइटनिंग, वाइट गोल्ड, फाइजा, किसी भी क्रीम के साथ डाल के यूज़ कर सकते हैं। ये जो होम्योक्योर है ये भी सेम यही चीज़ है जो ये फार्मूला है, बस इसके साथ इसको रख के वीडियो बना दी गई है तो ये आसमान पे चली गई है। एक टाइम था जब ये हमारे पास आते थे, जब ये ग्लूपाटोन के साथ नहीं इसका कम्बिनेशन बना था, तब ये कंपनी वाले हमारी मिन्नतें करते थे कि जी इसको रखें। हम कहते थे नहीं जी, हम तो जानते हैं इस ब्रांड को, कौन सा ब्रांड है ये, इसका पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, सूट करेगी नहीं करेगी, कस्टमर को नई चीज़ को हम क्यों जगह दें। और अब ये टाइम है कि हम इनकी मिन्नतें करते हैं कि जी कि हमें क्रीम दें, क्योंकि ये इसके साथ रख दी है, इसके साथ ये आ गई है, तो लोग समझते हैं कि होम्योक्योर ही है सब कुछ जो ग्लूपाटोन के साथ यूज़ होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ कि आपको अगर संदल सूट करती है आप संदल में डाल लो, अगर आपको गोल्डन पर्ल सूट करती है गोल्डन पर्ल में डाल लो, फेस फ्रेश सूट करती है फेस फ्रेश में डाल लो। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर कस्टमर को फेस फ्रेश सूट नहीं करती संदल सूट कर जाती है, गोल्डन पर्ल सूट नहीं करती फाइजा सूट कर जाती है। जो क्रीम आपको रूटीन में सूट कर रही है उसके साथ आप ग्लूपाटोन मिक्स कर लो, आपको वो सूट करेगी। अक्सर जो कस्टमर कहते हैं ना सूट नहीं की, तो उनको होम्योक्योर सूट नहीं करती, इस वजह से वो जो मसला बनता है सूट ना करने का। तो जो क्रीम आपको सूट करती है आप उसमें इसको डाल लें, आपको वो सूट करेगी। आपको फेस फ्रेश सूट करती है फेस फ्रेश में डाल लें, आपको संदल सूट करती है संदल में डाल लें, आपको फाइजा सूट करती है फाइजा में डाल लें, तो इसका रिजल्ट आपको 100% आएगा। तो एक और कंप्लेन कस्टमर करता है कि जब इसको तैयार करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राई है और लगती नहीं है फेस पे। तो उसका एक ही हल है कि आप इसको विटामिन ई इसमें सीरम डाल लें। इसके साथ ये कि सर्दियों में अक्सर क्रीम ड्राई हो जाती है, वैसे भी स्किन ड्राई होती है, इसमें आप विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें। विटामिन ई के कैप्सूल आप 4-5 डाल लें, उसके साथ जितनी ऑयली करनी है उसको ऑयली कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना क्रीम को सिर्फ ऑयली करने के लिए होता है और वाइटनिंग इफेक्ट होता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, नुकसान वाली कोई बात नहीं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपको आम रूटीन में ऐसी कोई भी क्रीम सूट नहीं करती, ना ये फेस फ्रेश सूट करती है, ना संदल करती है, ना फाइजा करती है, कोई भी क्रीम सूट नहीं करती, तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है कि आप अगर लोशन को यूज़ करते हैं, वैसलीन का यूज़ करते हैं, डव का यूज़ करते हैं, उसके अलावा निविया का लोशन यूज़ करते हैं, उसमें भी आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ब्लीच करते हैं ब्लीच में डाल के यूज़ कर सकते हैं। आप रूटीन की जो है इसकी तिब्बत क्रीम यूज़ करते हैं या फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं जो वेंचिंग क्रीम है, उसमें डाल के आप इसको ग्लूपाटोन को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल के यूज़ कर सकते हैं। कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होम्योक्योर के साथ ही आपने इसको यूज़ करना है। और अगर आपको सूट नहीं कर रही होम्योक्योर के साथ, आप इसको किसी दूसरी क्रीम में जो आपको क्रीम सूट करती है आप उसमें डाल के यूज़ कर लें। आप अगर गोल्डन पर्ल यूज़ करते हैं, गोल्डन पर्ल सूट करती है, गोल्डन पर्ल में डाल के यूज़ करेंगे तो आपको लाजमी सूट करेगी। तो ये दो तीन बातें आपको बतानी थी, क्योंकि यहाँ कस्टमर आके मुझे जो सवाल पूछता है मैं वो सवाल आगे फिर जो है आपसे वो वीडियो में शेयर कर लेता हूँ। कि अक्सर जो कस्टमर है वो साइकी एक ही होती है कि अगर कस्टमर एक सवाल पूछ रहा है तो कई लोगों के दिमाग में वो सवाल होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। आप इसको इस अंदाज में यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस इसका एक एहतियात करें कि इसको आपने क्वांटिटी जो है, अगर आपने ये पूरी क्रीम डालनी है ग्लूपाटोन की तो दो क्रीमों में डालनी है, अगर फाइजा में डालनी है फाइजा की बड़ी डब्बी में एक डाल लें तब ठीक है, अगर छोटी डब्बी इसकी इस तरह की डब्बी है तो वो आप जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ, एक ये छोटे साइज में फाइजा होती है, इसमें अगर आपने डालनी है दो फाइजा डालनी है, उसके बाद गोल्डन पर्ल डालनी है दो डालनी है, होम्योक्योर डालनी है दो डालनी है, तो ये इसकी क्वांटिटी है। इस हिसाब से इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाजमी सब्सक्राइब करें,
क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।